अंबाला के सैनिक रेस्ट हाउस के पास कैंटोनमेंट बोर्ड अधिकारियों और कमांडोर के नेतृत्व में मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। कड़कती ठंड में बच्चों, वृद्ध सेना के जवानों और स्टूडेंट सहित वरिष्ठ नागरिकों ने 5 किलोमीटर दौड़ लगाकर लुत्फ उठाया। मैराथन में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वालों को मेडल और प्रमाण पत्र दिए गए। इस मौके पर तब हड़बड़ी मच गई जब एक दिव्यांग लड़की लड़खड़ाकर गिर गई और उसे उठाकर हौसला अफजाई की गई। सेना के कमांडर ने बताया कि आज कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से मिनी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें करीबन 1500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इतनी ठंड में बच्चों को मैराथन में हिस्सा लेते देख खुशी भी हुई है। वहीं पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आज ये जो मिनी मैराथन कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से ऑर्गेनाइज हुआ है, इसका जो पार्टिसिपेशन है उसको देख के आज बहुत ही खुशी हो रही है। इसमें तकरीबन 1500 लोगों ने रजिस्टर किया है, जिसमें 14 साल से नीचे के बच्चे और 50 साल के ऊपर के भी लोग हिस्सा ले रहे हैं। और इतनी ठंड में इन लोगों को, इन बच्चों को बाहर निकलकर इस मैराथन में हिस्सा लेते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये जो हमारा इवेंट है, ये ऐसे ही हर साल सक्सेस होता रहे। आज का जो मिनी मैराथन का आयोजन है, हमारे कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा हर वर्ष किया जाता है, और मुझे खुशी है कि हमारी सारी टीम ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे जितने भी पार्षद हैं मेरे साथी, सब ने इसको बड़े बखूबी ढंग से इसको मैनेज किया है, इसका प्रबंध किया है। और इसमें लगभग आज 1500 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। इसमें जो है 14 साल तक के एज का ग्रुप था, एक 50 साल तक का था और एक अबव 50 ईयर्स का भी ग्रुप है। तो लोग बड़े बढ़ चढ़ कर